वो है समास, चौथा टॉपिक है हमारा वो है अलंकार, और अंतिम जो टॉपिक है जो हिंदी व्याकरण का है वो है मुहावरे। ध्यान दीजिएगा क्लास टेंथ हिंदी व्याकरण में कक्षा 10 में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। सबसे पहला है पदबंध, दूसरा है वाक्य रचना वाक्य रूपांतरण, तीसरा है समास, चौथा है अलंकार और पांचवा मुहावरे। मैम वीडियो ब्लर आ रहा है। अब यहाँ पर आप सभी जो है ये सोच रहे होंगे कि भाई अब जो है यहाँ पे हमें सबसे पहले हमने वाक्य रचना वाला टॉपिक कर लिया, ठीक है ना। वाक्य रचना वाले टॉपिक के साथ ही हमने हैं आज की क्लास की शुरुआत हम हमारे हिंदी व्याकरण के इन्हीं 5 महत्वपूर्ण विषयों में से किसी एक महत्वपूर्ण विषय से करते हैं, और वो हमारा महत्वपूर्ण विषय है पदबंध। ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को पढ़ते समय असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है उनको। पदबंध क्या होता है? पदबंध दो शब्दों से मिलकर तो बना है ये। पहला शब्द है पद और जमा यानी प्लस का निशान, साथ में लिख दिया बंध यानी पदों से बंधा हुआ, यही इसका सामान्य अर्थ निकल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं इसे पदबंध की ओर कि वास्तव में ये पदबंध है क्या, इसकी रचना कैसे होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, पदबंध में कौन कौन सी वस्तुएं कौन कौन सी चीजें कौन कौन से तथ्य शामिल होते हैं, कुछ उन्हीं का अध्ययन हम अपने इस महत्वपूर्ण विषय में करते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर एक उदाहरण जो है वो लिख रही हूँ। मैंने उदाहरण लिखा भारत। अगर इसे सामान्य रूप में यहाँ देखा जाए तो ये क्या है? शब्द है। ये क्या है? शब्द है। ये शब्द क्यों है? क्योंकि इसमें वर्णों का सार्थक नेम है। इसमें क्या है? वर्णों का सार्थक नेम है। ये शब्द क्यों है? क्योंकि ये अपना एक विशिष्ट अर्थ रखता है। शब्द क्यों कहा गया? क्योंकि इसका अपना एक विशिष्ट अर्थ है। और ये शब्द क्यों है? क्योंकि ये व्याकरणिक नियमों से अभी स्वतंत्र है। ये सारी की सारी क्या है? शब्द में निहित विशेषताएं। समझ आई बात? मैंने इसी शब्द से वाक्य निर्मित किया। मैंने लिखा भारत हमारा प्यारा देश है। भारत हमारा प्यारा देश है। या जब इस शब्द को हम किसी वाक्य रचना में प्रयुक्त करते हैं, जब इसी शब्द को हम किसी वाक्य रचना में प्रयुक्त करते हैं, तो अब इसे हम यहाँ जब वाक्य में शामिल है और इसके नीचे रेखांकन दिया गया है, तो अब इसे हम किसकी संज्ञा से सूचित करेंगे? अब इसे हम पुकारेंगे पद। ये अब शब्द नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब ये क्या हुआ? ये बन गया यहाँ पर वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण। सबसे पहला कारण क्या है? वाक्य में प्रयुक्त हो गया। अब जब वाक्य में प्रयुक्त हुआ तो इसमें क्या संलग्न हो गई? इसमें संलग्न हुई कारक की विभक्ति, जिस विभक्ति को आप परसर्ग भी कहते हो, और व्याकरण के नियम, व्याकरणिक नियमों, व्याकरणिक नियमों में ये क्या हो गया? बंध गया, बंध गया, ठीक है, व्याकरणिक नियमों से युक्त हो गया। अब यहाँ पर ये भारत जो है अपना स्वतंत्र और विशिष्ट अर्थ नहीं रखता, बल्कि क्या है? ये वाक्य के आधार पर, वाक्य के आधार पर प्रसंगानुसार अपना अर्थ देता है, प्रसंगानुसार अपना अर्थ देता है। आप सभी को याद हो तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि कमल तालाब में खेलता है और कमल कक्षा 9 का छात्र है। कमल शब्द जो पहले वाक्य में प्रयुक्त किया गया वो पुष्प को सूचित करता है, लेकिन कमल शब्द जो दूसरे वाक्य में प्रयुक्त किया गया
वो प्रसंग अनुसार अपना अर्थ देता है और वहां पे कमल पुष्प को सूचित नहीं करता, बल्कि कमल कौन है? वो कक्षा 9 का एक छात्र है जिसका नाम कमल रखा गया है। तो जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वो व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है, कारक की विभक्ति या परसर्ग से युक्त होता है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देता है और उसका जो अर्थ है वो प्रसंग अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो इस आधार पर शब्द एवं पद की परिभाषा और शब्द एवं पद में अंतर आप लोगों के समक्ष स्पष्ट हो चुका है। शब्द क्या है? शब्द है वर्णों का सार्थक और व्यवस्थित मेल। शब्द क्या है? शब्द अपना एक विशिष्ट अर्थ देने वाली इकाई है और शब्द जो है स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब इन्हीं शब्दों को किसी वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो उसे हम शब्द से नहीं बल्कि पद की संज्ञा से सूचित करेंगे, क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त हो चुके हैं, इसमें कारक की विभक्तियां भी युक्त होगी, यह व्याकरणिक नियमों से बद्ध हो चुका और इसका जो अर्थ है वो वाक्य में प्रसंग अनुसार परिवर्तित भी होता रहता है। ये अपना स्वतंत्र और विशिष्ट अर्थ हो चुका, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द और पद में यहाँ अंतर स्पष्ट होता है। तो सबसे पहले बात आती है शब्द। शब्द भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है जो वर्णों के मेल से बनती है। वर्णों का सार्थक और व्यवस्थित मेल ही शब्द कहलाता है। जब इन्हीं शब्दों को हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो अब इन्हें हम शब्द नहीं पुकारेंगे बल्कि पद की संज्ञा से सूचित करेंगे, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण व्याकरणिक नियमों में बद्ध हो गए, कारक की विभक्तियों से युक्त हो गए, अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो चुके, बल्कि अपना प्रसंग अनुसार अर्थ देते हैं, अर्थात इनका अर्थ भी वाक्य के अनुसार परिवर्तित होता है। तो भाषा की जो स्वतंत्र इकाई है वर्ण, वर्ण से बने शब्द, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते कहलाए पद। अब बात आती है कि शब्द और पद तक का अध्ययन तो हमने कक्षा 9 में भी किया था। ये पदबंध क्या है? अभी तक तो हम पद पर पहुंचे हैं कि भाई शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है वो क्या कहलाता है? वो पद कहलाता है, ठीक है। अब ये पद जो है कितने प्रकार के होते हैं और ये पद जो है पदबंध के रूप में कैसे बनते हैं? अब मैं यही वाक्य जो है दोबारा लिख रही हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण के तौर पर दिया था। भारत हमारा प्यारा देश है, ठीक है। इस वाक्य को मैं दो तरह से लिख रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत हमारा प्यारा देश है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत हमारा प्यारा देश है। मैंने यहां लिखा अहिंसा का पुजारी कौमा सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत हमारा प्यारा देश है। सेंटेंस यही है बेटा, लेकिन यहाँ मैंने भारतवर्ष के लिए जो संज्ञाएं प्रयुक्त की जाती है, भारत जो संज्ञा है इस संज्ञा को और ज्यादा विशिष्ट बनाने के लिए जो विशेषण प्रयुक्त किए जाते हैं उनका साथ में प्रयोग किया है। ये दोनों के दोनों विशेषण किसको सूचित करते हैं? भारत को। अहिंसा का पुजारी कौन? भारत। सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश कौन? भारत। यानी ये दोनों की दोनों जो विशेषताएं है वो किसकी है? भारत की। वाक्य क्या बना कि अहिंसा का पुजारी और सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत हमारा प्यारा देश है, यही वाक्य है। यहाँ पर क्या हुआ? ये अलग पद है, ये अलग पद है और ये अलग पद है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब अलग अलग पदों का समूह एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हुए तो वह क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उन्हें हम कहेंगे पदबंध। देखिएगा बेटा, यहाँ परिभाषा स्पष्ट हो रही है कि जब दो या दो से अधिक पदों का एक समूह व्याकरणिक इकाई का कार्य करता है। व्याकरणिक इकाई कैसे? जैसे मैंने आपको यहाँ उदाहरण दिया कि मैंने लिखा
पवन पुत्र केसरी नंदन कौन थे भाई? हनुमान। वो राम के प्रिय भक्त थे, राम के प्रिय भक्त थे। ध्यान दीजिएगा बेटा, हनुमान के विषय में बात हो रही है। हनुमान राम के प्रिय भक्त थे। यहाँ पे मुख्य जो है वो पद कौन सा है? हनुमान। हनुमान को जो पवन पुत्र है, जो केसरी नंदन के नाम से भी जाने जाते हैं, पवन पुत्र और केसरी नंदन, ये दोनों विशेषण किसकी ओर सूचित करते हैं? हनुमान जी की ओर सूचित करते हैं। तो जब अलग अलग पदों का समूह एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करता है तो अलग अलग वो पदों का समूह क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। सामान्य से परिभाषा, जैसा कि मैंने इसमें कक्षा की शुरुआत में बोला, पदबंध दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें एक शब्द है पद और दूसरा शब्द है बंध, अर्थात पदों में बंधा हुआ। जब अलग अलग पदों का समूह जो है वो एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करता है तो वह पदबंध कहलाता है। अर्थात अलग अलग पदों के समूह के द्वारा जब किसी मुख्य पद को सूचित किया जाता है तो वो अलग अलग पदों का समूह ही क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। आप यहाँ मेरी बात को अच्छे से समझ चुके होंगे कि शब्द हुआ वर्णों का समूह, इसी शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त किया तो वो पद कहलाया, और इसी एक पद को सूचित करने के लिए जब अलग अलग पदों का समूह एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करता है तो वो पदबंध कहलाता है। मैं एक उदाहरण और दे रही हूँ, देखिए, कर्मठ, परिश्रमी, ईमानदार, मोहन मेरा भाई है। सिंपल सा सेंटेंस कौन है इसमें? कर्ता कौन है इसमें? उद्देश्य कौन है इसमें? मोहन। मोहन मेरा भाई है। लेकिन मोहन की विशेषता मैंने क्या बताई? कि वो बहुत कर्मठ है, बहुत परिश्रमी है, बहुत ईमानदार है। यानी कर्मठ, परिश्रमी, ईमानदार कौन? मोहन। जब अलग अलग पदों का समूह एक मुख्य पद की ओर सूचित करता है या अलग अलग पदों का समूह एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करता है तो वह पदबंध कहलाता है। तो यहाँ आप सभी को अच्छे से ये स्पष्ट हो चुका होगा कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द को पद की संज्ञा कब दी जाती है, शब्द और पद में अंतर क्या है, और पदबंध की परिभाषा क्या होती है, और पदबंध जो है अब कितने प्रकार का होता है उस पर जो है चर्चा की जाएगी। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि शब्द जो है वो वर्ण का सार्थक और व्यवस्थित मेल है। शब्द अपने अपने स्वतंत्र होता है, विशिष्ट अर्थ रखता है, और शब्द जो है वो व्याकरणिक नियमों से मुक्त रहता है। लेकिन जब इसी शब्द स्वतंत्र शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो उसे पद की संज्ञा से सूचित करते हैं, अर्थात पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो स्वतंत्र नहीं रहता, व्याकरणिक नियमों में बंध चुका, कार्य की विभक्तियों से युक्त हो गया, और जो वो स्वतंत्र अर्थ देता था वो अर्थ वाक्य के प्रसंगानुसार परिवर्तित भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो पद है, इस पद को पदबंध क्यों कहा जाता है? जब अलग अलग पदों का समूह एक मुख्य पद को सूचित करता है। अब ध्यान दीजिए, मैंने जो आपको परिभाषा बोली, यहाँ मुख्य पद कौन सा है? भारत। यहाँ मुख्य पद कौन सा है? हनुमान। और यहाँ मुख्य पद कौन सा है? मोहन। यानी अलग अलग पदों का समूह जिस मुख्य पद को सूचित कर रहा है वो अलग अलग पदों का समूह क्या कहलाया? पदबंध कहलाया। अब जब भी पदबंध का निर्माण होता है उस पदबंध में दो तरह के पद होते हैं। एक तो होता है मुख्य या शीर्ष पद, इसे बोलते हैं मुख्य या शीर्ष पद। ध्यान दीजिएगा बेटा, अपनी कॉपी में नोट करते चले। और ये जो विशेषता बताने वाला पद है ये कहलाता है आश्रित पद। ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का अर्थ है कि पदबंध का निर्माण दो अलग अलग पदों, दो या दो से अधिक पदों से मिलकर होता है ना। इसमें एक तो होता है मुख्य या शीर्ष पद और दूसरे होते हैं यहाँ पर आश्रित पद। मुख्य शीर्ष पद और आश्रित पद से मिलकर ही क्या बनता है? पदबंध बनता है। समझ आएगी? जैसे हमने वाक्य रचना में पढ़ा था कि वाक्य के महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं? दो हैं, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य तथा विधेय को मिलाते हैं तभी वाक्य बनता है।
तो पदबंध कब बनता है? जब उसमें अलग अलग पदों का समूह मिलकर एक इकाई का कार्य करता है। तो जब वह एक इकाई का कार्य करता है तो ये अलग अलग पदों का समूह एक शीर्ष पद को सूचित करता है। तो पदबंध में एक तो होता है शीर्ष पद यानी मुख्य पद और दूसरा होता है आश्रित पद। ये आश्रित पद और शीर्ष पद मिलकर ही पूरा पदबंध का निर्माण करते हैं। यहाँ तक की बात आप सभी को अच्छे से समझ आ गई। अब बात आती है पदबंध के प्रकार की। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने आपको क्लास नाइन्थ में कई ऐसे टॉपिक समझाए थे और मैंने बोला था कि क्लास नाइन्थ में वो थोड़े संक्षिप्त दे रखे हैं, इनको डिटेल से पढ़ने के लिए क्लास टेंथ में हमारे पास काफी समय रहेगा। तो क्लास टेंथ में जो है जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इनका कुछ हिस्सा हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ लिया है। अब बात आती है पदबंध के प्रकार। पदबंध के प्रकार, ठीक है, पदबंध के प्रकार को जानने के लिए पहले हमें पद के प्रकार को जानना होगा। पद पद जो स्वतंत्र रूप में होता है तो क्या कहलाता है? शब्द। शब्द के क्या क्या प्रकार थे? शब्द का वर्गीकरण हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था कि शब्द का वर्गीकरण हमने चार आधारों पर किया था। ध्यान दीजिएगा, शब्द तो पद कहलाता है, कब कहलाता है? जब वाक्य में प्रयुक्त होता है। तो शब्द का वर्गीकरण चार आधारों पर किया था। पहले किया था हमने स्रोत के, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हमने किया था बनावट या रचना के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर। तीसरा हमने किया था विकार्य या विकार के आधार पर, विकार के आधार पर या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। और चौथा हमने किया था अर्थ के आधार पर। चार आधार पे हमने शब्द के वर्गीकरण को पढ़ा था। इसमें स्रोत के आधार पर इसके जो भेद होते हैं वो है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। विदेशी शब्द को आगत शब्द भी कहा जाता है। और इसमें एक दूसरे प्रकार का शब्द और आता है जिसे संकर शब्द कहते हैं। ये हमने कक्षा 9 में पढ़े थे। बनावट के आधार पर एक होते हैं रूढ़ शब्द, दूसरे होते हैं यौगिक शब्द और तीसरे होते हैं योग रूढ़ शब्द। इनके विषय में भी हमने अच्छे से जानकारी हासिल की थी। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर कहलाई एक तो अविकारी शब्द और दूसरे विकारी शब्द। मैंने आपको ये वाला टॉपिक डिटेल में पढ़ाया था क्लास नाइन्थ में और कहा था कि ये जो विकारी शब्द है इनके विषय में हम कक्षा 10th में डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। अर्थ के आधार पर भी हमने पढ़े थे एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। इनको भी हमने अच्छे से पढ़ा था कक्षा 9 में। अब हमें जिस चीज पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है वो है विकारी तथा अविकारी, ठीक है। ये हमने एक जनरल नॉलेज ले लिया कि शब्द का वर्गीकरण चार आधारों पर किया गया। उत्पत्ति कैसे हुई शब्द की? तो सबसे पहले उत्पत्ति हुई संस्कृत भाषा से, यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तित किए हिंदी भाषा में शामिल किए जाते हैं, जैसे आम्र, श्वेत, पत्र, दुग्ध, है ना, ये सारे काट आदि। लेकिन तद्भव शब्द यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें हिंदी में थोड़े रूप परिवर्तन के साथ शामिल किया गया है। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो स्थानीय भाषाओं के शब्द हैं और उनको भी हमने हिंदी भाषा के शब्दकोश में शामिल कर लिया है। और विदेशी शब्द वे कहलाते हैं जो हमारी पाश्चात्य भाषा या विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं जिन्हें हम आगत शब्द भी कहते हैं। आए हुए शब्द यानी आगत शब्द। बात आती है यहाँ पे बनावट के आधार पर। तो हमने पढ़ा था रूढ़ शब्द, जैसे मैंने बोला चिड़िया, खिड़की, है ना, पगड़ी। ये शब्द क्या है? ये अपना अर्थ देने के लिए रूढ़ हो चुके हैं, यानी पुराने समय से इनका एक विशिष्ट अर्थ निकल रहा है। अगर इनके खंड कर दिए जाए, इनके टुकड़े कर दिए जाए तो ये अपना कोई अर्थ नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी अपने पुराने समय से ही ये किसी विशिष्ट अर्थ के लिए जाने जा रहे हैं। इन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं।
योगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर बनते हैं, जैसे मैंने बोला विद्यालय, हिमालय, हिम प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, ये योगिक शब्द तो बने जो दो अलग अलग शब्दों को मिला करके एक पूर्ण शब्द बनता है, लेकिन योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो बनते तो योगिक शब्दों की तरह है, जैसे मैंने बोला गजानन, गज प्लस आनंद, गज के समान आनंद किसका है, हमने नाम दिया गणेश का, यानी वे शब्द जो बनते तो योगिक शब्दों की तरह है लेकिन वो अपना अर्थ देने के लिए रूढ़ हो चुके, यानी लंबे समय से वो अपना एक विशेष अर्थ देते हैं। मैंने बोला लंबोदर, लंबा है उदर, कौन थे गणेश। मैंने बोला दशानन, दच है आनंद जिसके मुख जिसके, वो कौन था, रावण। तो ये बनते तो योगिक शब्दों की तरह लेकिन अपना अर्थ देने के लिए रूढ़ हो चुके, लंबे समय से एक ही अर्थ देते। अर्थ के आधार पर भी हमने पढ़ लिया थे, एक आर्थक शब्द, अनेक आर्थक शब्द, विपरीत आर्थक शब्द, समान आर्थिक शब्द और समरूपी विनाशक, जो हमारे लिए जो पूर्ण ध्यान केंद्रित करने का विषय है वो है हमारा विकारी और अविकारी। ध्यान दीजिएगा बेटा, विकारी और अविकारी के विषय में भी हमने जानकारी हासिल की थी। यहाँ एक सामान्य परिचय दे दिया जाए कि लिंग, वचन, कारक, काल, इन चार आधारों पर जिनमें परिवर्तन आता है वो कहलाते हैं विकारी, और जिनमें परिवर्तन नहीं आता है वो कहलाते हैं अविकारी। ठीक है, अब यहाँ पे विकारी में कौन कौन से शामिल है, विकारी में शामिल है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण। ठीक है, और अविकारी में शामिल है सबसे पहला आता है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा निपात। अब पेंस का ध्यान देना बेटा, हमने यहाँ पे पढ़ा कि जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन या बदलाव आता है वो कहलाते हैं विकारी। विकारी में हमने चार शामिल किया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, ये विकारी क्यों है, माना मैंने एक उदाहरण दिया, लड़का कार्य करता है। अब लड़का शब्द में मैंने यहाँ पे वचन बदल दिया, वो क्या बन जाएगा, लड़के कार्य करते हैं। वचन जैसे ही बदला तो कर्ता के आधार पर क्रिया भी अपने आप ही परिवर्तित हो गई। मैंने ये बोला कि लंबा और शारीरिक रूप से बलिष्ठ लड़का लड़ाई करता है। ठीक है, तो शारीरिक रूप से बलिष्ठ, बलिष्ठ को मैंने विपरीत बदल दिया यहाँ पे, तो शारीरिक रूप से वो क्या कर हो जाएगा वहां पे, कमजोर। तो यहाँ पे मैंने उसकी क्या कर दिया, अर्थ भी बदल दिए। इसके आधार पर इसमें सर्वनाम, वह मेरा भाई है, वह मेरा मित्र है, तो इसमें मैंने लिंग चेंज कर दिया, वह मेरी मित्र है, मेरा की जगह क्या लग गया, मेरी मित्र है, वह मेरी, अब भाई है तो लिख नहीं सकते, क्या लिखा जाएगा, बहिन है, तो यहाँ पे लिंग भी चेंज हो गई। सर्वनाम शब्द है, पहले संज्ञा शब्द लिया, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, वह शब्द लिया सर्वनाम है, तो इनमें बदलाव आता है। ठीक है ना, क्रिया मैंने अभी बताया, जब कर्ता बदल रहा है तो क्रिया में अपने आप ही चेंज आ जाता है। और विशेषण, जैसे मैंने बोला कि काला घोड़ा लंबी रेस दौड़ता है और मैंने इसको चेंज कर दिया, काली गाय बहुत दूध देती है, तो यहाँ पे मैंने किसी तरह से विशेषण में भी परिवर्तन ला दिया। तो जिनमें परिवर्तन आता है वो कहलाते हैं विकारी, और जिनमें परिवर्तन नहीं आता है वो कहलाते हैं अविकारी। अब विकारी में जो शामिल किए गए हैं, अगर सिंगल रूप में है, एकल रूप में है, तो इनको हमने बोल दिया संज्ञा पद, सर्वनाम पद, क्रिया पद और विशेषण पद। अगर ये पद जो है एक से अधिक समूह के रूप में है तो इसको कहलाएंगे, ये इसको हम कहेंगे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया कि शब्द क्या होता है, शब्द को पद की संज्ञा कब देते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है, पद
पदबंध में कैसे परिणत होता है, पदबंध की परिभाषा क्या है, पदबंध का वर्गीकरण जानने के लिए हमने सबसे पहले शब्द के वर्गीकरण का थोड़ा सा दोहरान किया। शब्द के वर्गीकरण को जान करके हम पौधे के प्रकार के आधार पर शब्द को दो हिस्सों में बांटा, विकारी और अविकारी। इसी आधार पर जिनमें लिंग वचन कारक काल के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है वो तो कहलाता है विकारी, और जिनमें लिंग वचन कारक काल के द्वारा परिवर्तन नहीं आता है वो कहलाता है अविकारी। अविकारी में जो शामिल है वो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये एकल रूप में है इसलिए इनको नाम दे दिया संज्ञा पद, सर्वनाम पद, क्रिया पद, विशेषण पद। इसी तरह से अविकारी में क्रिया विशेषण पद, संबंध बोधक पद, समुच्चय बोधक पद, विस्मयादि बोधक पद और निपात पद। पदबंध कब बनेंगे, तो जब मैंने अभी बताया कि एक या एक से अधिक पदों का समूह जो है, दो या दो से अधिक पदों का समूह जो एक व्याकरण इकाई का कार्य करता है, किस पद की ओर सूचित करता है, तो वो पूरा का पूरा पद नहीं कहलाएगा बल्कि पदबंध कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला मेहनत करने वाला छात्र, छात्र जातिवाचक संज्ञा है, छात्र सिंगल रूप में होता तो पद कहलाता, लेकिन मेहनत करने वाला छात्र यहाँ पूरा एकल रूप में, यानी आश्रित पद है मेहनत करने वाला और छात्र है शीर्ष पद, इन दोनों को मिलाकर एक पदबंध बन गया। तो यहाँ मुख्य पद कौन सा है, संज्ञा है, छात्र शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो पूरा का पूरा पदबंध किस नाम से जाना गया, संज्ञा पदबंध के नाम से जाना गया। तो इसके विषय में आगे की जानकारी क्या है, कैसे हम पदबंध का जो है चयन करेंगे, किस तरह से उसका पता लगाया जा सकता है, किस तरह से उसके विकल्प को ढूंढा जा सकता है, तो इसके विषय में हम अपनी अगले क्लास में जानकारी हासिल करेंगे। अभी तक जो मैंने आपको दी है ये सारी समस्त जानकारी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ आई होगी। हम आगे भाई ये पद जो है ये पदबंध में कैसे परिणत हुए, एक एक हम इन चारों का पद का भी उदाहरण देंगे और इस पद पर पदबंध कैसे बन जाता है, पदबंध के रूप में भी इसके उदाहरण को आपके समक्ष उपस्थित करते हुए उस पदबंध को कैसे हम छांटेंगे कि ये संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम है या क्रिया है या विशेषण पद है, पदबंध है, कैसे इसका चयन किया जाएगा, उसके विषय में भी जानकारी कल साझा करेंगे। अब तक की क्लास में यहाँ आपको दी गई जानकारी पर्याप्त है। घर पर अपने पास जो भी व्याकरण की कोई बुक है जिसमें इस विषय से संबंधित जानकारी दी गई है, एक बार जरूर दोहरान कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास।